जानकी बीकानेर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर कुछ वर्ष पूर्व उसे संसार में अकेला और बेसहारा छोड़कर काल कल्पित हो चुका था। जानकी की गोद में उसकी फूल सी बिटिया पायल थी, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ी थी। अपनी बिटिया के अच्छे लालन पालन के लिए जानकी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पायल अब 2 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी इच्छाएं भी बढ़ रही थी। ऐसे में जानकी अपनी छोटी सी कमाई में उसकी इच्छाओं को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। इसलिए वे गांव छोड़कर शहर अपने परिचित के पास चली गई, जिसने उसे एक दयालु सेठ के यहाँ उसकी लकवाग्रस्त पत्नी की सेवा के लिए नौकरी दिलवा दी। वे सेठ दयालु स्वभाव का था। उसने जानकी को अपने बंगले में ही एक कमरा रहने के लिए दिया था। जानकी दिन भर सेठानी की मन लगाकर सेवा करती, परंतु इसके बहाने में उसे सेठानी की गालियां भी सहन करनी पड़ती थी। पायल जब 5 वर्ष की हुई तो जानकी ने उसे एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा दिया। पायल शुरू से ही पढ़ने में जहीन थी, इसलिए उसने स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपनी कॉलेज की शिक्षा भी पूर्ण कर ली थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पायल ने IAS अधिकारी बनने का सपना देखा था। अतः वे शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात अपने सपने को पूरा करने के लिए IAS की परीक्षा में की तैयारी में जुट गई थी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो पायल इस परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी। जानकी को जब ये सुखद समाचार मिला तो उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। पायल को प्रशिक्षण हेतु देहरादून जाना पड़ा था। जब वे अपना प्रशिक्षण पूरा कर वापस शहर अपनी माँ के पास आई तो वे IAS अधिकारी बन चुकी थी। देवयोग से पायल को उसी शहर में जिला कलेक्टर बनाकर नियुक्ति दे दी गई थी। उसे रहने के लिए सरकारी आवास भी आवंटित कर दिया गया था। आज पायल अपनी माँ जानकी के साथ उसी सरकारी आवास में रहने के लिए आ रही थी। अब जानकी अपनी बिटिया के साथ उस सरकारी आवास में पहुंची तो उसने नौकरों की चहल पहल देखी, जो दोनों माँ बेटी का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे। जानकी जो कभी नौकरानी थी, आज उसके चारों ओर नौकरों की भीड़ थी। कभी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हुआ करती थी, आज उसके स्थान पर संतोष मिश्रित प्रसन्नता से उसका मुखमंडल प्रभावित हो रहा था।